शांति आज 10 मार्च 2023 भारत में शुक्रवार है टुडे इज टेंथ मार्च 2023 एंड इट्स फ्राइडे इन भारत आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टूडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ आज की पूरी मुरली दो शब्दों के अंदर है एक्चुअली एक ही शब्द है पर बाबा ने उसको समझाने के लिए कंट्रास्ट बाबा का ये तरीका है कि बाबा फर्क बताने के लिए भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों में क्या फर्क है जब हमारे सामने ये रखा जाता है तब हमको निर्णय लेना सहज हो जाता है ये एक पढ़ाने का तरीका होता है बाबा ने ऐसी बहुत सारी बातें मुरलियों में बताई है जैसे कि हम सब जानते हैं बाबा हमेशा मुरलियों में कहते हैं कि देहधारी श्री कृष्ण देवता और निराकारी शिव परमात्मा दोनों में जो महिमा है उसका फर्क रखो है ना या फिर हमारे सेवन डेज कोर्स में आकारी सूक्ष्म देहदारी शंकर देवता और निराकारी शिव परमात्मा दोनों का फर्क ऐसे ही बाबा ने बहुत बार ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का फर्क बताया है आज की मुरली में फर्क जो आया है वो जिस्मानी यात्रा और रूहानी यात्रा इसके ऊपर फर्क आया है पहले भी हमने देखा यात्रा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है जिसने यात्रा इस शब्द को समझ लिया मुझे ऐसे लगता है उसके लिए डिटैच होना या जिसे आज बाबा ने जो भगवत गीता का शब्द इस्तेमाल किया है ममत्व ममत्व ये ममत्व जब तक है बाबा ने कहा तब तक स्थायी खुशी नहीं रह सकती तो ममता के बजाय समता की जरूरत है ये हमने श्रीमद भगवत गीता स्टडी ग्रुप में बहुत अच्छी तरह से देखा कि दुख का कारण ममत्व या मेरे मेरा पन, बाबा जिसको कहते हैं ममत्व संस्कृत का शब्द है मम माना मेरा वो मेरे में अपनापन हो जाता है वो दुख का कारण है और बाबा यही मैं और मेरापन छोड़ने के लिए हमको कह रहा है एक्चुअली गहराई से देखा जाए तो सेकंड की बात है लेकिन इतना टाइम इसलिए लगता है क्योंकि ये मैं और मेरापन में हम अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं साइकोलॉजिकल पे ऑफ्स या हिंदी में हम ऐसे कहते हैं कि प्राप्ति होती है हमको मैं और मेरापन में है उसकी भी प्राप्ति कम नहीं है माया की प्राप्ति है बाबा का शब्द है कि माया सतयुग के साथ कंपटीशन करती है माना बाबा जब ये कहता है कि माया सतयुग के साथ कंपटीशन करती है इसका भाव क्या है इसका भाव ये है कि माया हमको यहाँ पर ही स्वर्ग का अनुभव कराती है तो जैसे हम कई स्थानों पर शिविर लेने जाते हैं मैंने गोवा में खास करके देखा अभी गोवा के लोग बीचेस है टूरिस्ट प्लेस है तो लोग गोवा में एंजॉय करने जाते हैं तो जो व्यक्ति पहले से ही अपने को सुखी समझता है तो उसको फिर आप बोलेंगे कि आप राजोग से और सुखी हो जाओगे वो कहेगा कि मैं पहले से ही सुखी हूं तो माया ऐसा अनुभव कराती है कि आपको और कुछ नहीं चाहिए आप अभी आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है और बाबा ने इसीलिए कहा कि जो धनवान है जो पैसे वाले हैं वो बाबा के पास नहीं आएंगे क्योंकि उनको लगता है कि वो अभी स्वर्ग में हैं तो बाबा यही कह रहा है कि बच्चे स्थाई खुशी क्यों नहीं रहती स्थाई माना हमेशा खुशी नहीं रहती है निरंतर खुशी नहीं रहती सदा काल के लिए खुशी नहीं रहती तो उसका कारण है ममत्व मेरापन और गहराई से अगर देखा जाए जिसे भी हम मेरा समझते हैं वो मेरा होता ही नहीं है फॉर एग्जाम्पल जिस घर में हम रहते हैं घर से कितना अटैचमेंट होता है लोगों को तो जिस घर में हम अभी रह रहे हैं वो थोड़े समय के लिए हम रह रहे हैं, क्योंकि हम वो घर छोड़ने वाले हैं। आज जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर में कल कोई और रहता था और हमारे जाने के बाद और कोई रहेगा इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं वी ऑल आर विजिटर्स टू दिस प्लानिट यहां पर यात्रा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट में या इवन फिलॉसफी में तत्व ज्ञान में भी ये बात बहुत गहराई से समझाई जाती है अभी इसको हम तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे हम सब यात्रा पर है आप कल्पना करो आपके घर में जो भी लोग हैं पति पत्नी बच्चे भाई बहन माँ बाप रिश्तेदार हम सब ट्रेन से जा रहे हैं हमारे जीवन एक रेलवे की यात्रा है ट्रेन की यात्रा है और हम सबका चढ़ने का स्टेशन और उतरने का स्टेशन फिक्स है समझो कोई मुंबई में चढ़ता है और दिल्ली में उतर जाता है है ना तो उसका जन्म मुंबई में हुआ है और दिल्ली में वो ट्रेन छोड़ने वाला है तो मुंबई से दिल्ली तक उसके साथ में जो भी है वो उसके सह यात्री है अभी मुझे अगर खुश रहना है जीवन में तो मैं ये बात ध्यान में रखूंगा पहली बात जैसे मेरी यात्रा है वैसे मेरे साथ वालों की भी यात्रा है उनका चढ़ने का उतरने का टाइम फिक्स है स्टेशन फिक्स है मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे हाथ में इतना है कि मैं पहले ध्यान में रखूं कि हम यात्रा पर है माना यात्रा पर है माना कभी ना कभी हमारी ये जीवन की यात्रा समाप्त होने वाली है जैसे चालू हुई वैसे समाप्त होगी तो मुझे अगर जीवन का आनंद लेना है तो इस यात्रा को और कंपनी को एंजॉय करो तो ये यात्रा शब्द हमको ये बताता है कि खुशी जो है वो यात्रा के साथ है हम समझते हैं कि हमारा डेस्टिनेशन आ जाएगा तब हम खुश हो जाएंगे अंग्रेजी में ऐसी कहावत है कि लाइफ इज अ जर्नी एंड हैप्पीनेस इज अलोंग द पाथ नॉट एट द एंड जीवन एक यात्रा है और खुशी यात्रा के साथ है अभी होता क्या है कि लोग इस यात्रा को एंजॉय नहीं करते इसका आनंद नहीं लेते हैं उसका भी कारण है ममत्व तो ये जब तक ममत्व है तब तक स्थाई खुशी नहीं रहेगी ऐसे आज की मुरली में बाबा स्पष्ट कह रहा है पूरा पुरुषार्थ जो है बाबा ने एक मुरली में बहुत सुंदर कहा है आप चाहो नहीं चाहो बाबा ने कहा ये दो शब्द तो हरेक को इस्तेमाल करना ही है मैं और मेरा तो बाबा ने मुरली ये चलाई कि बाबा ने कहा ये शब्द लौकिक भाव से इस्तेमाल करते या हद का मैं और मेरापन है आपको केवल इतना करना है कि इस मैं और मेरेपन को यथार्थ रूप में यूज करना है बस तो जब मैं शब्द आए तो तुरंत याद आना चाहिए कि मैं कौन तो मैं आदि अनादि पवित्र आत्मा डायरेक्ट ईश्वरीय संतान तो मैं शब्द बोलते ही मैं बहुत पॉजिटिव सोल हूं पॉजिटिव एनर्जी हूं अविनाशी हूं और जब मेरा आए तब केवल एक मेरा बाबा याद आए तो देखो बाबा ने इतना इजी कर दिया पूरी फिलोसॉफी को दो शब्दों में पैकअप कर दिया मैं कौन मेरा कौन ये भगवान वाच है और जिस दिन हम इसको महसूस कर लेंगे उस दिन हमारा श्रेष्ठ परिवर्तन हुआ पड़ा है अभी क्या हो रहा है परसेंटेज में कभी कभी हम इसको अनुभव करते हैं जैसे कुछ बाबा के बच्चे स्वमान का अभ्यास करते हैं कि मैं महान आत्मा हूं अभी जब तक ये समान उनकी बुद्धि स्वीकार करती है अटेंशन रहता है तो उस स्थिति में रहते हैं। कई लोग तो रिपीट करते हैं तोते के मुआफिक अभी रिपीट करना भी ठीक है लेकिन ये संकल्प बुद्धि स्वीकार कर लेनी चाहिए प्रूफ क्या है अगर स्वीकार किया बुद्धि ने कि मैं महान आत्मा हूं तो महान आत्मा साधारण संकल्प नहीं कर सकते महान आत्मा व्यर्थ और निगेटिव संकल्प नहीं कर सकते महान आत्मा के बोल साधारण व्यर्थ और निगेटिव नहीं होंगे महान आत्मा के कर्म भी साधारण नहीं होंगे हमेशा श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ संकल्प बोल और कर्म जब हमारे अंदर आए और उससे वैसी वृत्ति वाइब्रेशन वायुमंडल बने तब समझे कि हम महानता की संपूर्ण अवस्था पर है तो ये एक एग्जाम्पल के रूप में बताया तो परसेंटेज में है और पूरा पुरुषार्थ जैसे कल बाबा ने कहा बुद्धि स्वच्छ होनी चाहिए जब तक विकारों की मैल चढ़ी हुई है तब तक श्रेष्ठ परिवर्तन ना खुद को न औरों को दिखाई देगा अनुभव होगा आज बाबा ने दिखाई देने के ऊपर कहा कि स्थाई खुशी न रहने का दूसरा कारण बाबा ने कहा कि जब तक भविष्य राजाई इन आंखों से नहीं देखते तब तक खुशी कायम नहीं रह सकती अभी प्रश्न यहाँ आता है कि जब हम पुरानी दुनिया में हैं पुराने शरीर है तमो प्रधान दुनिया है कलयुग तो इन आंखों से हम नई दुनिया कैसे देखेंगे तो क्या बाबा ये कहना चाह रहा है कि हमारे आँखों के सामने हम श्री कृष्ण को गद्दी के ऊपर बैठते हुए देखेंगे इसका भाव क्या है तो बाबा ने मुरली में इसको स्पष्ट किया है कि इन आंखों से तो नहीं देखेंगे लेकिन बुद्धि रूपी नेत्र के द्वारा देखेंगे जैसे उदाहरण के लिए ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ कौन सा साक्षात्कार हुआ विष्णु चतुर्भुज का है ना तो बाबा ने मुरलियों में कहा है कि लक्ष्मी नारायण के सिंहासन के पीछे विष्णु का चित्र होगा तो बाबा को ये साक्षात्कार हुआ तो ये साक्षात्कार जैसे कि बाबा के लिए पासवर्ड का काम किया बाबा की फाइल खुल गई नशे में चले गए कि मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ स्मृति तुरंत वापस आ गई अभी हमको तो साक्षात्कार हुआ नहीं है लेकिन हम बुद्धि से इन बातों को महसूस कर सकते हैं इसलिए कल हमने देखा पूरा खेल स्वच्छ बुद्धि के ऊपर है जितनी बुद्धि स्वच्छ पवित्र उतने अनुभव श्रेष्ठ होंगे तो जिसको भी अनुभव नहीं होता है उसका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे बुद्धि को मैं स्वच्छ कैसे रखूं तो स्वच्छ रखने की बात आती है तब दो बातें आती है कि मैले भी नहीं होना चाहिए और घिसना भी चाहिए माना पहले से ही दाग पड़े हुए है ये अवेयरनेस है तो मैं और दाग लगने नहीं दू और जो पहले लगे हुए दाग है उसको साफ करूँ दोनों साइमल्टेनियसली चाहिए दोनों बातें चाहिए किचन के बर्तन का अगर उदाहरण दे आपने बर्तन साफ करके रखे ऐसे ही रखे उसको यूज भी नहीं किया फिर भी डस्ट आती है धूल आके उसके ऊपर बैठ जाती है क्योंकि कलयुग है कलयुग में चारों तरफ विकारों की धूल है आपने कुछ नहीं किया तो भी धूल आके बैठ जाएगी जैसे बाबा ने एक मुरली में बहुत सूक्ष्म बात के ऊपर अटेंशन खिंचवाएगा कई बच्चे कहते हैं कि आज किसी को दुख नहीं दिया कड़वे बोल नहीं बोले तो इसमें तो पास है ये अच्छा किया कि कोई कड़वे बोल नहीं बोले कोई गलत काम नहीं किया किसी को दुख नहीं दिया लेकिन बाबा ने फिर आगे पूछा लेकिन अच्छा क्या किया वो भी इम्पोर्टेंट है बुरा नहीं किया इसमें पास पर अच्छा क्या किया इसको अलग अलग भाव से बाबा मुरली में कहते आया है जैसे एक मुरली में मुझे याद है बाबा ने कहा किसी को दुख नहीं दिया अच्छा है लेकिन सुख कितनों को दिया तो बाबा हमको गहराई में लेके जा रहा है तो आज की मुरली मेरे को इंपॉर्टेंट इसलिए लगी क्योंकि मैं देख रहा हूं शायद मेरे पास ये पेशेंट आते हैं डे बाय डे मैं डिप्रेशन एंड कॉन्सिक्वेंट सुसाइड माना निराशा की बीमारी उदासीनता की बीमारी और उसके साथ आने वाली और बीमारियां जिसका अंत आत्महत्या में होता है ये केसेस मेरे पास बहुत आ रहे हैं लोग निराश हो रहे हैं छोटी छोटी बातों से निराश हो रहे माना इतने कमजोर मैंने लोग देखे नहीं थे अभी छोटी सी बात के लिए बड़ा डिसीजन क्यों लेते हैं छोटा किसी ने कुछ बोल दिया कल तो मेरे को बहुत शॉकिंग लगा वो ऑर्थोपेडिक सर्जन आए थे उन्होंने कहा दस साल का बच्चा है अभी उसके दोस्त के पास नया मोबाइल है इसके मम्मी पापा ने उसके जैसा मोबाइल नहीं दिया क्योंकि इनकी कैपेसिटी नहीं थी तो इसने आत्महत्या कर ली आप सोचो माँ बाप को कितना शौक है ये सब कर्मों का हिसाब किताब है हम ये जानते हैं लेकिन मेरा कहने का भाव था कि छोटी छोटी बातों के ऊपर लोग अपना एक्सट्रीम माना ऐसा कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए इसी को हम पागलपन कहते हैं ये पागलपन है फेसबुक देखने को नहीं दिया सुसाइड गरबा खेलने को नहीं दिया सुसाइड माना अभी की ये जो जनरेशन हम देख रहे हैं पूरा बैटरी डिस्चार्ज है थोड़ी सी बात भी सहन नहीं होती है मुझे तो वो बहुत शॉकिंग लगा इंदौर का एग्जाम्पल अभी आपने पेपर ठीक तरह से नहीं लिखा आपकी गलती है लेकिन पेपर नहीं लिखा तो टीचर ने फेल कर दिया तो टीचर्स को ही जला दिया पेट्रोल डाल के चार दिन आईसीयू में रहकर उनका शरीर छूट गया ये बहुत शॉकिंग है लोगों के अंदर डर बैठ रहा है डर बैठ जाता है लोगों के अंदर कि अगर मैंने ना किया या कुछ किया तो टीचर्स के अंदर भी मैं डर देख रहा हूं अभी पहले तो टीचर स्टूडेंट को मार सकते थे बोल सकते थे आज वो भी नहीं हमको तो फीडबैक ऐसे मिला पेरेंट्स आके बोलते कि आप डांटते क्यों है बच्चे को प्यार से समझाओ तो टीचर मुझे कहते कि सर हम करें क्या ये बच्चे ना पढ़ाई करते हैं ना कुछ करते हैं हम उनको मार तो सकते नहीं लेकिन बोल भी नहीं सकते बोला तो भी उनको हार्ट फीलिंग आती है आप सोचो तो यहां तक हम पहुंचे हुए हैं तो ये सब लक्षण अंतिम समय के है इसलिए हमको बहुत कड़ी तपस्या करनी है क्योंकि ये आत्माएं डे बाय डे पृथ्वी का वाइब्रेशन निगेटिव बढ़ते जा रहा है आज मैं एयरपोर्ट पे था मुंबई से औरंगाबाद फ्लाइट से आ रहा था तो दोपहर की फ्लाइट मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूअस हमारे पास तो टीवी है नहीं ना हम टीवी देखते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पे ऐसे ही पाँच दस मिनट जो मैं बैठा था तो देख रहा था कि यूक्रेन और रशिया इन्हीं का दिखा रहे कंटिन्यूस वो न्यूज इतने बार हैमर हो रही है निगेटिव न्यूज की विश्व का अंत नजदीक आ गया क्योंकि कुछ तो ऐसे दिखा रहे थे कि रशिया ने बहुत सारे मिसाइल 24 घंटे में दाग दिए तो ये विनाश का सीन है ऐसे वो कह रहे थे तो देखो चैनल वाले भी अभी इसको स्वीकार कर रहे कि हम विनाश के कगार पर खड़े हुए हैं तो एक तरफ जैसे ही ये आत्माओं की बैटरी डिस्चार्ज है तो निराशा की बीमारी बढ़ रही है और फिर सुसाइड और अभी तक फिर भी मैं मानूंगा कि ये पुतिन जो है राष्ट्रपति रशिया के वो अभी तक एक्सट्रीम स्टेप नहीं उठा रहे हैं आप सोचो इतना दिनों से ये युद्ध चल रहा है वो यूक्रेन जैसा छोटा देश कोर्स उनको नाटो का सपोर्ट है नाटो का सपोर्ट होने के कारण अमेरिका सपोर्ट होने के कारण वो रशिया के साथ फाइट कर रहा है अच्छी तरह से लेकिन इसका पूरा इकोनॉमी के ऊपर असर आ रहा है एक तरफ वो युद्ध के वजह से इतने या आर्थिक मंदी दूसरा ये भारत में स्टॉक मार्केट की हलचल अडानी की जो न्यूज आई थी मैंने देखा बहुत लोगों का नुकसान अभी रिकवर नहीं हुए हैं, लाखों रुपया गया है लोगों का तो ये भी एक बहुत बड़ा डिस्टर्ब करने वाला ट्रेन था और अभी तीसरी बात ये मैं देख रहा हूँ तो चारों तरफ से मैं देख रहा हूँ कि फॉल एंड फॉल मैं निगेटिविटी को एनलार्ज नहीं कर रहा हूँ बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बीच बीच में आपको न्यूज सुन लेना चाहिए अगर समझो दुनिया में युद्ध छिड़ गया तो समझने का आपकी अवस्था अच्छी है क्योंकि बाबा ने बहुत बार कहा है कि बच्चों के लिए समय रुका हुआ है तो जैसे ही 108 आत्माएं या मेजोरिटी बाबा के बच्चे तैयार हो जाएंगे अपने संपूर्णता के ओर तब बाबा ने कहा ये फटाके या आतशबाजी चालू हो जाएगी तो इन सब को रोक के रखा हुआ है आखिर कभी ना कभी तो ये छूटने वाले हैं सभी के पास पटाखे हैं न्यूक्लियर वेपन्स तो ये कभी ना कभी छूटने वाले हैं और अभी मुझे ये सब दिखाई दे रहा है चारों तरफ तो हम जहां पर भी है जिस भी शहर में हम अमेरिका में है लंदन में है अरब कंट्रीज में है चाइना में है या जापान में है या भारत में है हमको तैयार रहना चाहिए बाबा बहुत बार ये कह चुका है कि बच्चे एवर रेडी रहो एवर रेडी अभी देखो मधुबन में एक भाई का शरीर छूटा यंग एज थर्टी फाइव शांतिवन किचन में सेवा देने वाले हार्ट अटैक शरीर छूट गया तो ये सब हो रहा है हमको ऐसे डॉक्टर में आप सबको कहना चाहूंगा कि बाहर से भले आपका शरीर अच्छा है अंदर क्या हो रहा है नहीं पता होता है तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि ये संगम युग का शरीर बहुत वैल्युएबल है इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हम इस शरीर के द्वारा ही भगवान हमको मिला है तो इसको कैजुअली नहीं लेना चाहिए इसको स्वस्थ रखना भी हमारी जिम्मेवारी है क्योंकि बाबा को हमने ये दिया हुआ है अमानत है भगवान की तो इससे तंग नहीं होना है अभी कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था मैं एज अ डॉक्टर कहूंगा कि एनुअल चेकअप करे अपना अभी मैं अपना अनुभव ही सुना रहा मैं खुद डॉक्टर हूँ घूमता हूँ 25 दिन शरीर के ऊपर असर तो आता है नींद होती नहीं है खाने का ठिकाना नहीं होता है वैसे कोई बीमारी नहीं है लेकिन अभी दिल्ली गए थे एम यू तो अंदर से आया कि मैं चेक करूँ चेक किया तो पता चला कि फैटी लिवर है ग्रेड टू बाय थ्री है और फिर विटामिन डी डेफिशिएंसी है, वो भी एटीन तक आ गई तीस के ऊपर होता है तो अठारह आ गया विटामिन और फिर कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एक सौ साठ ये एल डी एल कोलेस्ट्रॉल पहले डेढ़ सौ तक समझते थे फिर 130 आया अभी 100 समझते हैं, उसके नीचे होना चाहिए तो बाहर से मुझे कोई तकलीफ नहीं है आई एम ओके लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन में आया एच बी सी करके होता है ग्लाइकोजिलेटेड हीमोग्लोबिन उसकी फिगर है 6.34 पॉइंट थ्री फोर प्री डायबिटिक तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाहर से अभी इसको मैं रिवर्स करूंगा वो मेरे हाथ में है जैसे वजन कम किया एक्सरसाइज किया खाने के ऊपर कंट्रोल किया तो इन सब पैरामीटर्स को मैं रिवर्स करूंगा तीन से छह मास में लेकिन मैं कह रहा हूं कि मुझे बाहर से कोई भी तकलीफ नहीं है आई एम एनर्जेटिक एज इट इज लेकिन ऐसे ही हम गाफिल रहे तो अचानक कुछ भी हो सकता है इसलिए अपने शरीर का जांच जरूर करना चाहिए ताकि हम बाबा की अच्छी तरह से सेवा कर सके तो पूरा मैं ये कह रहा था कि डिप्रेशन और डिप्रेशन या उदासी का कारण है खुशी की कमी और खुशी क्यों नहीं रहती क्योंकि माया याद की यात्रा में तूफान लाती है इसलिए अवस्था ठंडी हो जाती है ऐसे बाबा ने आज कहा तो गीत को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए यात्रा है हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है तो हिम्मत नहीं हारनी है हिम्मत नहीं हारनी है निराश नहीं होना है कई बच्चे मेरे को मैसेज भेजते हैं कि सचिन भाई हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन जो बाबा चाहता है वो अभी तक वो अवस्था बनी नहीं है बाबा को भी पता है एक्सेप्ट करो बाबा के साथ सच्चे रहो साफ रहो लेकिन हिम्मत नहीं हारो अपना मोटिवेशन बनाए रखो आज बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी त्रिकालदर्शी बनो पास प्रेजेंट और फ्यूचर ये तीनों कालों को ध्यान में रखते हुए बाबा ने हमेशा सक्सेस का फॉर्मूला बताया त्रिकालदर्शी बन के कर्म करो अभी तो बाबा के बच्चे ये भी कहने लगे हैं दुनिया में कहावत है कि सोच समझ के कर्म करो मना पहले सोचो फिर समझो और फिर कर्म करो बाबा के बच्चे कहते हैं सोचने के पहले भी सोचो क्योंकि एक बार सोच दिया तो बांध तो निकल गया तो सोच को भी ब्लॉक करना है सोचना भी नहीं है वैसे व्यर्थ और निगेटिव उधर ही ब्लॉक कर देना है बीच में ही उसको पकड़ना है जब तक बोल और कर्म में आ जाए, ये तो काफी देर हो गई गहरा दाग लग जाएगा तो बाबा ने आज के मुरली में कहा है कि संपूर्णता का समारोह मनाओ बच्चे समझदार जो होंगे समझदार का काम है करने के बाद नहीं सोचते हैं समझदार माना उसको पता है कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है क्यों हो रहा है उसको समझदार कहते हैं समझो कोई आत्मा के वजह से आपको दुख मिल रहा है आप समझदार हो यह क्यों हो रहा है कोई आत्मा ऐसे कर रही है जो नहीं करना चाहिए और आप उसके साथ उस ड्रामा में इन्वॉल्व है आप समझदार हो आप समझदार इसलिए हो कि, कि आपको पता है कि आप फलाने देश में क्यों गए हैं भारतवासी है अमेरिका क्यों गए लंदन चाइना धाबी दुबई ऑस्ट्रेलिया क्यों गए क्योंकि आप समझदार हो तो ये समझ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां के आत्माओं से उस घर में उस पति से पत्नी से बच्चों से रिश्तेदारों से जो भी अकाउंट्स है वो अकाउंट्स मुझे क्लोज करने हैं ये समझदारी है तो बाबा ने कहा इसको सेलिब्रेट करो समाप्त करो सेलिब्रेट करो सबसे मैं कहूंगा भाग्यवान उसको ये समझ है कि मेरा अकाउंट क्लोज करना है मुझे मुझे नया बढ़ाना नहीं है तो जो बाबा का बच्चा इतना समझदार है वही शक्तिशाली है हमने रिलीजियस विंग में एक टॉपिक रखा था समझ या सजा बहुत अच्छा टॉपिक था यू आर टू चूज बिटवीन द टू तो समझ या सजा अगर समझ से आप चलते हैं तो सजा भुगतने की जरूरत नहीं है अगर समझ से नहीं चलते हैं तो सजा भुगतनी पड़ेगी तो बाबा आज कह रहा है कि बच्चे समाप्ति का समारोह मनाओ और जब ये समाप्ति का समारोह मनाएंगे तभी संपूर्णता का समारोह मना सकेंगे इनडायरेक्टली बाबा यही कह रहा है एक्सेप्ट पूरा ड्रामा एक शब्द एक्सेप्ट स्वीकार करो अंग्रेजी में हम कहते हैं चेंज व्हाट यू कैन चेंज एंड एक्सेप्ट व्हाट यू नॉट चेंज एंड नो द डिफरेंस बिटवीन द टू माना जिसे आप बदल सकते उसे जरूर बदलना चाहिए जिसे नहीं बदल सकते उसे स्वीकार कर लेना चाहिए और दोनों में फर्क अपने बुद्धि में ध्यान में रखना चाहिए आज का अंडरलाइन वाला स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत काल के बंधन मुक्त बहुत काल के जीवन मुक्त ये लिख लो अपने टेबल पर आईने पर बहुत काल के बंधन मुक्त बहुत काल के जीवन मुक्त ये मत पूछो कि मेरा कितने जन्म में सत्युक्त रेतायुग में आऊंगा ये पूछो कि मैं कितना समय बंधन मुक्त रहता हूँ जितना ज्यादा समय बी के लाइफ में बंधन मुक्त उतना सत्युक्त रेतायुग में जीवन मुक्त पद को प्राप्त करूंगा समझो यहाँ पे दस साल है बीके लाइफ और दस साल में अगर मैं फिफ्टी परसेंट बंधन मुक्त हूँ तो मैं फिफ्टी परसेंट से आऊंगा जितना ज्यादा समय बंधन मुक्त उतना ज्यादा समय जीवन मुक्त तो ज्यादा से ज्यादा जीवन मुक्त कर उसकी टेक्निक बाबा ने बताई है स्वरूप और स्वदेश की स्मृति और ऐसे बाबा के शक्तिशाली बच्चे खुद भी उमंग उत्साह में रहेंगे और अपने मीठे बोल से औरों को भी शक्तिशाली बन, बनाएंगे तो आज की पूरी मुरली रूहानी यात्रा बाबा कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं जिस्मानी यात्रा की कोई तकलीफ नहीं हमको चार धाम वो कहते हैं चार दिशाओं में है बद्रीनाथ नॉर्थ में ईस्ट में जगन्नाथपुरी वेस्ट में द्वारका और साउथ में रामेश्वरम वैसे उत्तराखंड में भी चार धाम है यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ तो बाबा ये सब तकलीफ से हमको छुड़ा रहे हैं कि बच्चे बस चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते बाबा को याद करो तो लास्ट आकर भी सो फास्ट वास और सो फर्स्ट नंबर ले सकते हैं अच्छा ओम शांति